चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे चैनल अलीगढ़ बच्चे अनपिंचेस को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी सब लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, अलीगढ़ बच्चे अनपिंचेस चैनल में आप सभी का वेलकम है। आप देख रहे होंगे ये घास है जो कि मैंने एक फूड मार्केट से ली है, जो कि फ्रूट मंडी होती है, वहां से मैं ये घास लेकर आया हूँ। तो आज हम इसकी नेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड, नेस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये ग्रास चाहिए जो कि घास आपको मिल जाएगी, और एक सीजर चाहिए। बड़ी सीजर ले लें वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप कट करें उसको और बॉक्स के अंदर डालते रहें हाथ के हाथ। इससे फायदा ये रहेगा, इस तरीके से कटिंग करने में बॉक्स में जितना भी स्पेस होगा वो फुल हो जाएगा इससे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी घास ले लेते हैं और उसको मोड़ के रखते हैं, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता, बट उसके अंदर अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो जिस तरीके से सेट करना चाहता है उस तरीके से सेट नहीं हो पाती है बॉक्स के अंदर। जितना छोटा पीस होगा वो उसको उतनी अच्छी तरीके से लबड़ उसको सेट कर लेगा। तो आप देखें मैं कितने छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने कहीं से नहीं सीखा है और ना मैंने कहीं किसी की कॉपी करी है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ और ये मेरा खुद का आइडिया है, क्योंकि इस तरीके से करने में मुझे लगेगा कि ज़्यादा बेस्ट है। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप देखें ये बॉक्स खाली है, ठीक है। इसके अंदर हम देखिए ग्रास उठा रहे हैं, और ग्रास उठाने के बाद आप कोई भी ग्रास उठा लें उसको छोटे छोटे पीस में फिर से कट करना शुरू करें, और याद रहे कि कितने बड़े पीस होने चाहिए। जितने बड़े पीस में काट रहा हूँ यानी कि दो दो इंच बड़े पीस होने चाहिए, इससे ज़्यादा बड़े पीस होंगे तो परेशानी हो जाएगी। देखें आप इस तरीके से आप इजीली कट कर सकते हैं। कोई भी आप सीजर ले लें, बड़ी सीजर से ये होता है कि आसानी से कट जाती है, छोटी सीजर में परेशानी होती है। तो आप इस तरीके से कोई बड़ी सीजर लें और कट करना शुरू करते हैं। आप देखें कितनी अच्छी तरीके से घास ऑटोमेटिक सेट हो रही है गिरने के बाद, आपको करनी भी नहीं पड़ रही है। लेकिन फिर भी आपको करना ये है, जब ग्रास गिर जाए इसमें आपको हाथ से दबानी है इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं दबा रहा हूँ इस तरीके से आपको दबानी है ताकि ये बिल्कुल अंदर फिट हो जाए। बस एक मिनट लगा आपको करने में, उसको बॉक्स को वहीं रख दीजिए। और फ्रेंड्स मैं इसमें ग्रास देना भूल गया था, ये जो बॉक्स है इसके अंदर लुटीनों ने इसमें एग ले कर दिए हैं, कल तक नहीं करे थे इसने, रात को एग ले करे हैं। तो उसमें करीब दो एग्स हैं इसमें, और इसमें बिल्कुल ग्रास नहीं है। लोग बाग डरते हैं कि इस तरीके से अगर हम बाद में घास देंगे, बाद में नेस्टिंग देंगे तो लबवर्ड घोंसला छोड़ देगा, लेकिन देखिए मैं बाद में घास दे रहा हूँ, एग पहले दे दिए इसने, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा अपना घोंसला। ये आप देख रहे हैं इसमें ग्रास जारी है और अंडे भी रखे हुए हैं। हम इसको देखिए थोड़ी सी घास डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि इसमें जो बच्चे वगैरह निकलें तो उसमें ठीक से वो सर्वाइव कर सकें। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो अंडे हैं, एक ये है और एक ये है। अभी इसने रात में अंडे दिए हैं, अभी उम्मीद है दो तीन अंडे और देगी ये, तो पाँच अंडे करीब इसके अंदर हो जाएंगे। तो उसको हम वहीं रख देंगे। अब कोई दूसरा बॉक्स उठाएंगे, उसके अंदर भी हम इसी तरीके से करेंगे। आप गौर से देखिएगा पूरी बात को, जितनी वीडियो का गौर से देखेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप इसमें नेस्टिंग कर पाएंगे। नेस्टिंग आप खुद करा करें, और थोड़े सी जो ग्रास वगैरह वो नीचे फेंक दिया करें। ये देख सकते हैं आप, इसने देखिए ग्रास ही मिली थी, इसने प्लास्टिक से नेस्टिंग करना शुरू कर दी। ये प्लास्टिक भी नहीं है, ये बिजली का तार है जो कि छील छील कर ये अपने बॉक्स में ले गई है ये फीमेल। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रास की कितनी कमी थी। मैं थोड़ा बिजी रहा एक हफ्ता, और मुझे लाए हुए भी लबर्स को अभी कुल 10 या 11 दिन हुए हैं, और माशाल्लाह इन्होंने अंडे भी दे दिए और नेस्टिंग करना भी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना होता है कि इसको लबर्ड को सेट होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप माहौल अच्छा दे रहे हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप देखें कि मेरे यहाँ माहौल जो भी मैं देता हूँ 10 दिन ही हुए हैं, और इन्होंने अंडे भी दे दिए और दूसरे ने नेस्टिंग करना भी शुरू कर दी। तो अब मैंने वो तार जो था वो बाहर फेंक दिया है और ग्रास इसमें रख दी है। इंशाल्लाह ताला इसमें भी ये एग ले कर देंगी। ये ऑफलाइन का पेयर था ये इसके अंदर, तो इंशाल्लाह वो भी एग ले करेगा।
थोड़ी घास कम है उसमें थोड़ा और डालेंगे। ये याद रहे कि ज्यादा घास नहीं भरनी है, बिल्कुल मुंह तक नहीं भरनी है, बस अपने हिसाब से देख लें। आप देखिए मैंने कितनी डाली है घास, बस उतनी ही डालनी है। ज्यादा डालेंगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है अक्सर कि अंडे उसके अंदर जो होते हैं ना एग्स, वो घास के नीचे दब जाते हैं, कभी बच्चे होते हैं जो दब जाते हैं। तो आपको मीडियम लेनी है बिल्कुल, ना ज्यादा ना कम। इसमें हम थोड़ा सा सपोर्ट लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि तो थोड़ा हिलता है बॉक्स, अब नहीं हिलेगा। तो अब इस बॉक्स को लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब बात समझ आ गई होगी। और जिसकी फीमेल ने एग रख दिए थे उसमें मैंने जो बाद में नेस्टिंग करी थी, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ हाथ के हाथ इसी वीडियो के साथ में, कि वो वापस उसी बॉक्स में चली गई थी अपने एग्स के पास और अपने एग को उसने इंक्यूबेट करना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप वीडियो में ये इंक्यूबेट कर रही है एग्स को, ये वही फीमेल है जिसमें मैंने अभी नेस्टिंग करी थी। तो दोस्तों बिल्कुल ना घबराया करें, वैसे आपके हाथ में आप रिस्क ना लें, लेकिन दोस्तों मैं तो हर चीज़ में रिस्क ले लेता हूँ, वो आपकी मर्जी है। आप बाद में ये ना कहें कि सर आपने हमसे कहा था कि बाद में नेस्टिंग कर सकते हैं, और आपके यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल एग्रेसिव हो दोबारा बॉक्स में ना जाए, लेकिन मैंने तो रिस्क लिया और मेरे यहाँ देखिए फीमेल ने वापस उसी बॉक्स में चली गई है और इसमें ग्रास पड़ी हुई है, फिर भी वो एग को इंक्यूबेट कर रही है। तो दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।